हेलो बच्चों, नमस्कार। सो टुडे वी हैव विद अस AIR 42 शेली। नाउ शेली हैज स्कोर्ड 19 टैक्सेशन, और मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी, बट आई थॉट शेली स्कोर्ड 90, उसका भी आपको स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए। सो टुडे वेलकम अबोर्ड शेली, हाउ आर यू? एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव यू नो अब तो रिजल्ट आए, काफी टाइम हो गया। हैज इट सेटल्ड इन कि AIR 42 आया, 90 आए टैक्स में? नो सर, नेवर थॉट ऑफ दिस कि कभी भी AIR आ सकता है। हाँ, पता था रिजल्ट अच्छा आएगा, बट AIR की होप नहीं करी थी। एंड 90 टैक्सेशन, सर, इट इज सच अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी। आई नो, फॉर मी एज वेल। सर, जस्ट टेल अस, टेल एवरीवन समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप कहाँ से हो एंड हाउ हैव द लास्ट फ्यू डेज बीन आफ्टर द रिजल्ट? हाउ हैज लाइफ चेंज्ड आफ्टर द रिजल्ट? हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शैली। आई एम फ्रॉम चित्तौड़गढ़, राजस्थान। एंड व्हेन द रिजल्ट केम, आई वाज सडनली शॉक्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव नॉट सीन माय रिजल्ट। सडनली आई टाइप्ड माय इन मेरिट लिस्ट एंड सडनली इट शोज ए रैंक नंबर 42। फर्स्ट आई हैव सीन माय रैंक एंड देन आई हैव सॉ माय मार्क्स। दैट्स टोटल व्हाई कितने द मार्क्स साइट आए? वाज टोटल नॉट वर्किंग, सो आई फर्स्ट ट्राइड लेटेस्ट। कितने मार्क्स आए आपके? टोटल यस सर, कितने मार्क्स थे आपके? 468, वाओ। 468 एंड मम्मी एंड आउट ऑफ पापा 600। ऑब्वियसली वुड हैव बीन ओवरजॉयड। मम्मी एंड पापा का तो आई एम श्योर द रिएक्शंस मस्ट हैव बीन वेरी अमेजिंग। आपके घर में कोई सीए है पहले? यस नो सर, माय ब्रदर इज आल्सो परसुइंग द सेम कोर्स, ही इज इन सीए अच्छा, फाइनल। ओ वाओ वाओ। तो लाइफ कैसे बदली, थोड़ा सा बताओ ना, थोड़ा एक्साइटमेंट। आई थिंक मुझे हो रहा है कि ये जो बच्चे हैं जो ऐसा स्कोर कर लेते हैं, रैंक वगैरह स्कोर कर लेते हैं, आई एम श्योर यू नो अदर स्टार्ट व्यूइंग यू डिफरेंटली। तो लोगों का नजरिया कैसे बदला? यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कॉल्स हैव स्टार्टेड टू कम। एवरीवन वाज सडनली शॉक्ड व्हाट हैज हैपेंड। द मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस फ्रॉम टीचर्स आल्सो, सर कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल दिस। इट वाज जस्ट अमेजिंग फीलिंग सर, लाइक सही वी आर ऑफ द मीनिंग। टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दैट वी हैव स्कोर्ड, वी हैव वेरी पुट अ वेरी हार्ड वर्क एंड इट हैज पेड ऑफ। राइट, एंड एक मिनी सेलिब्रिटी का स्टेटस हो जाता है ना। तो ये बताओ, ये जो आपका यस नाउ सर, दैट यू आई एम श्योर आपको आर्टिकलशिप के बारे में भी कॉल आ रही होंगी, सो डू बिग कंपनी स्टार्ट अप्रोचिंग यू? अभी तक किसी ने करा आपको अप्रोच? यस सर, आई हैव गॉट अ कॉल फ्रॉम पीडब्ल्यूसी एंड ऑल वी हैव आई हैव गिवन ऑल्सो। वाओ, मतलब वंस यू रीच दैट लेवल तो बड़ी कंपनीज आपको अप्रोच करती हैं, आपको उनको अप्रोच करने का जरूरत नहीं पड़ता है। सो ऑसम। चलिए मैं बात करूंगा टैक्सेशन की, एंड आई थिंक दिस टाइम द रिजल्ट हैज बीन रियली ऑसम। आई थिंक वन ऑफ द रीजंस आल्सो इज कि आईसीए ने हल्का सा बेटर रिजल्ट भी निकाला है, पर 90 फिर भी इज लाइक वाओ। तो व्हाट इज इट दैट यू थिंक, क्विकली वी वॉन्ट टू शेयर, क्योंकि कई बच्चे नहीं क्लियर कर पाए टैक्स इस बार भी। कई बच्चे हैं जिनके अभी भी 40s 30s में आ रहे हैं। वो ऐसा क्या गलत कर रहे हैं और आपने ऐसा क्या सही करा? दिस इज फॉर एवरीवन हु इज अपेयरिंग फॉर सितंबर और जनवरी। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो आप लोग सोल्यूशन तक पहुंच ही नहीं सकते। बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको वो पूरा एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 14 मार्क्स का या 15 मार्क्स का, तो आपको उसके लिए बेटर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप वहां जाकर कोई स्टेप ना चूक जाए। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है सर। टेक्स्ट में प्रेजेंटेशन इज फर्स्ट। अगर आप प्रेजेंट नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिल सकते सर उस क्वेश्चन में। बिल्कुल, और सर, उस बेसिक क्वेश्चन से हमारे सारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। बिकॉज वो एक्चुअली लाइक वो अगर आपको एंड सैल वो जो 15 नंबर का क्वेश्चन है एंड रिजल्ट, पर आई थिंक सारा कुछ फ्रॉम द फर्स्ट डे वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट क्वेश्चन ओनली, क्योंकि वही मेन क्वेश्चन है इनकम टैक्स की अगर यस बात सर, करें। हाँ, यस की सर, कोई बताइए और बताइए, आपने कैसे प्रिपेयर करा? आप रिकॉर्डेड सुनते थे क्लासेस या लाइव देखते थे मेरे सर? सर बेसिकली आई एम स्टार्टिंगली मैं लाइव स्टूडेंट थी, बट आफ्टर वाज आई शिफ्टेड टू रिकॉर्डेड। सो क्योंकि सो आई थिंक दैट कि मैं ज्यादा आपको बेटर तरीके से सुन पाऊंगी। इंटरेक्शन, मतलब सर मुझे थोड़ा टाइम लगता है क्रैप करने में चीजें, तो सर मैं आपके वीडियोस को एक बार दो बार देखती थी ताकि मुझे कॉन्सेप्ट मेरे पूरे अगर प्रॉपरली बिल्डअप होंगे तो ही मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगी।
मैंने आपकी बुक के सर सारे क्वेश्चन एटलीस्ट 3 टाइम्स करे होंगे, ताकि वाओ सर वो, क्योंकि हम लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम लोग कर ही नहीं सकते सर, प्रैक्टिस मस्ट है सर। उस बिल्कुल लेवल तक उस पेपर में बैठने के लिए हमें पहले मेंटली इतना प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हम लोग उसे जाके फेस कर सके। राइटिंग सेल्फ स्टडी का कोई सब्सिट्यूट नहीं है। टीचर गाइड कर सकता है, टीचर आपको मटेरियल दे सकता है, टीचर आपको यस सर, कॉन्सेप्ट समझा सकता है, पर समझने का काम, प्रैक्टिस करने का काम वो आपका है। एंड लाइक यू नो व्हाट आई लाइक व्हाट यू सेड शेली, ये उन बच्चों के लिए है। शेली द रैंक होल्डर, उसके 90 आए हैं। वो कह रही है कि उसको पहली बार में कॉन्सेप्ट ग्रैप करने में मुश्किल होती थी, वो बारी बारी 2 बार भी सुनती थी। सो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्योंकि टैक्स के नए हैं बच्चों के लिए, और मैं तो बहुत इन डेप्थ भी कराता हूँ, तो उनको ग्रैप्स करने के लिए अगर 2 बार भी सुनने पड़े दैट शुड बी ओके। एम आई राइट शेली? तो यस सर, डेफिनेटली। मेरी एक अप्रोच है जो मैं हर बच्चे से पूछता हूँ लिटिल बाय लिटिल की, क्या वॉज दैट समथिंग दैट यू ऑल्सो फॉलोड? सर मेरे लिए तो वो अप्रोच ही सब कुछ थे, लिटिल बाय लिटिल। स्टार्टिंग में सर लगा कि आप इतना इन डेप्थ पढ़ाते हो तो उसका क्या फायदा होगा सर, बट जब एंड में जाके हम लोग वो फेब्रुअरी मार्च तक पहुंचा, आपके काउंटडाउन सीरीज करी, आपके लास्ट मिनट सेशंस करे, तो सर पता चला कि लिटरली वो अप्रोच इट इज वर्थफुल। वो नहीं करते तो शायद हम वहां तक पहुंच भी नहीं पाते, या बीच में ही कहीं खो जाते हैं। तो आई थिंक वो अपने आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर बच्चे को पूरा क्वेश्चन बिना गलती करे है, तो वो लिटिल बाय लिटिल कॉन्सेप्ट्स दिमाग में डालेंगे और फिर एंड तक जाके आप कर सकते हो। यू एग्री विद दैट? यस सर, अच्छा, एक बच्चों का बड़ा सवाल होता है कि सर स्टडी मटेरियल का हमें देखना है या नहीं देखना है। सो आई वुड वॉन्ट कि आपने स्टडी मटेरियल फॉलो करा था या सिर्फ नोट्स फॉलो करे थे, क्या करा था, थोड़ा सा मटेरियल कहाँ से पढ़ा वो बताइए बच्चों को। सर वैसे तो आपकी बुक सफिशिएंट थी, इसमें सारी थ्योरी वगैरह थी, सारे क्वेश्चंस वगैरह कॉन्सेप्ट पूरा परफेक्ट थे, बट अगर सर कोई चाहे कि उसे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो वो स्टडी मटेरियल रेफर कर सकता है, ऐसा कुछ बुरा नहीं है सर उसमें। लाइक उसमें सारे वही क्वेश्चन है जो आपने कराए थे, और ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमने स्टडी मटेरियल भी पढ़ा है, तो दैट्स बिल्कुल, आई इट। थिंक थ्योरी इसीलिए वगैरह के लिए मैंने, सर हाँ योर बुक इज बेस्ट। उसके लिए मैंने आई थिंक स्टडी मैट का, जो आपने बड़ी सही बात बोली कि बच्चों को कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैंने स्टडी मैट कर लिया, तो जरूर देखना चाहिए। एंड आई थिंक स्टडी मैट के एंड के जो टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन है मैंने अपने गूगल ड्राइव में डाले हुए हैं, ताकि बच्चे ज्यादा ढूंढने बगैर वो सारे क्वेश्चन कर ले, तो आई थिंक दैट शुड सॉल्व देयर पर्पस। एक चीज बताओ, यस सो सर, आई जनरली ऑलवेज यू नो आई टेक अ फीडबैक एवरी टाइम फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड आई बीन डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग। मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा पढ़ा के पढ़ाना सीखा हूँ। मुझे बताओ जो जो चार्ट्स आते हैं, समरी चार्ट्स, जैसे हम टेक्स्ट में करते हैं और उसके बाद एक समरी चार्ट आता है और हर कॉन्सेप्ट के बाद मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। सो ये जो समरी चार्ट्स हैं, आपने लास्ट डे किससे रिवाइज करा था? पूरा मॉड्यूल्स करे थे या सिर्फ चार्ट बुक करी थी? सर मैंने तो सर, क्योंकि हमारे टेक्स में तो 3 डेज की छुट्टी थी, तो सर मैंने तो मॉड्यूल पढ़ी थी पहले, और सर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने मार्क कराए थे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आपने कहा था कि लास्ट डे हमें कुछ भी इतने इंपॉर्टेंट, मतलब जो मार्क कर रहे थे बस वही करने चाहिए, तो सर वो मार्क कर रहे थे, और सर पूरा सॉल्व नहीं करा, बट सर वो चार्ट्स जो है दे आर वेरी हेल्पफुल। अगर हमें 1 डे पहले रिवाइज करना है तो अगर हम उन्हें एक बार थरली देख लेंगे तो बहुत अच्छा सर, पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाती है पूरी माइंड में। सो ओके दिस आर सो वेरी यूजफुल सर। चार्ट मैंने बुक यू खुद आर ने सेइंग पर्सनली इज उसे परचेज करी थी, हाँ मैंने उसे परचेज करी थी सर। मैंने एग्जाम के सुबह सुबह उस चार्ट बुक को सारे क्वेश्चन, सारे जो वो चार्ट्स थे वो देख के गई थी। रियली हेल्पफुल सर, चलो गुड, आई एम जीएसटी ग्लैड। में बेसिकली। हाँ जीएसटी में एक्चुअली वो ओवरऑल कवर हो जाता है, इनकम टैक्स में चार्ट्स भी तो बहुत सारे हैं क्योंकि टॉपिक्स इतने सारे हैं। इन पूरी यस सर, स्टडी में आपको क्या लगता है, जैसे मुझे कई बार बच्चे बताते हैं कि सर हमने कई हैं जो सिर्फ 2 दिन में टीडीएस कर जाते हैं, हम उसी टीडीएस को आई थिंक 10-15 दिन लगाते हैं। व्हाट आर द चैप्टर्स यू थिंक जिनके बगैर इनकम टैक्स नहीं हो सकता? सर सबसे पहले अगर हम बात करें सर, जो 5 हेड्स है वो तो सबको करने ही होते हैं सर, उसके अगर हमें 5 हेड्स तक जाना है, उसके पहले हमें टीडीएस, टीसीएस, रिटर्न ऑफ इनकम, सर इनका बेसिक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर हमें ये अच्छे से आ जाएंगे तो हम लोग हेड्स ऑफ इनकम को अच्छे से कर सकते हैं सर। जैसे कि आपने हमें पहले रिटर्न ऑफ इनकम कराया, टीडीएस, टीसीएस में कराया सर, हमने इसमें बेसिकली कितना टाइम दिया था, फिर वो बहुत राइट लास्ट में जाके जो 5 हेड्स थे हमारे वो इतने परफेक्टली हो गया, उनको इतनी स्मूथली हो गया कि हमें कोई टेंशन भी नहीं हुई सर, कुछ ऐसा लगा नहीं कि हाँ हमने 5 हेड्स पहली बार पढ़े, क्योंकि हम उनका थोड़ा 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 पार्ट पीछे टीडीएस टीसीएस में पढ़ के आ रहे थे, तो सर वो बहुत अच्छा लगा मुझे। टीडीएस टीसीएस सर ऐसा हो गया कि बस वो चार्ट रात को भी अगर सोचो ना तो भी वही घूमता है।
आई टॉक अबाउट, अभी भी मेरा नया बैच शुरू हुआ ना May 25 का, तो आई फील एक्साइटेड कि उन बच्चों को इस स्टेट से उस स्टेट तक लेके जाने का जो चैलेंज है, बड़ा मजा आता है मुझे. दैट इज व्हाई प्रोबेबली आई बीन टीचिंग फॉर सो लॉन्ग. बट आई एम सो ग्लैड, वो जो चार्ट है, पहले वाला जो हमारा टीडीएस का चार्ट है, आज मैं बच्चों को May 25 वालों को बता रहा था हाउ वी यूज सबकॉन्शियस टेक्निक्स टू ट्राई एंड मेमोराइज. यू नो, मैंने शायद पहली दूसरी क्लास में, आई थिंक तीसरी क्लास में बताया था कि रात को सोने से पहले अगर आप पूरे दिन का 8-10-15 मिनट रिवाइज कर लो तो वो ज्यादा रिटेन रहता है. डिड यू फॉलो दैट? क्या आप एग्री करते हो उससे? यस सर, रात को सोने से पहले वो चार्ट रोज का था, एक बार रिवाइज करना ही करना है, फिर वो धीरे धीरे सर वो खुद चार्ट अपने हाथों से बना के लिखने आ गया सर, पूरा का पूरा. वेरी वी नाइस, हैव जस्ट वेरी आई हैव जस्ट मेड दिस चार्ट विथ माय ओन हैंड्स. नाइस. आई थिंक आई ऑलवेज से टीचर कहता तो है पर बच्चे अगर करते हैं तो रिजल्ट बच्चों आपके सामने है. चलिए एक बात और पूछूंगा. यू नो, यू सेड यू आर डूइंग रिकॉर्डेड एंड आई एम श्योर आपने बाकी 6 सब्जेक्ट भी जो करे हैं, आपको रैंक लाने के लिए 6 सब्जेक्ट्स को हैंडल कैसे करा? और रिकॉर्डेड में आई थिंक डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है, सो हाउ डिड यू मेंटेन योर डिसिप्लिन? सर ऐसा था कि जैसे हमें 6 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट को अगर हम 2 2 आवर्स दे सके या फिर 3 आवर्स पर डे का क्लासेस के बाद, तो सबको मेंटेन करके रखना. अगर हम किसी को भी रिवाइज नहीं करेंगे तो बेसिकली वो हमारी मेमोरी से जाने लगेगा. तो सर हमें जैसे ऑडिट वगैरह इनको रिवाइज करते रहना चाहिए कंटिन्यूसली. टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट को अगर हम रोज डेली बेसिस पर रिवाइज करेंगे, एक क्वेश्चन भी अगर हम टेक्स्ट का सॉल्व कर ले डेली, तो वो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड से नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं वो रह जाएगा. तो फिर अगर हम उसको थोड़े टाइम बाद भी सॉल्व करेंगे तो बेसिकली वो हमें वापस याद आ जाएगा. से अगर हम बात करें सैलरी की, तो सर उसे रिटेन करने में टाइम लगता है. तो अगर हम उसे डेली रोज अगर हम उसे पढ़ेंगे तो सर हम बेसिकली हम उसे एंड तक रिटेन भी कर सकते हैं और उसे अपने माइंड में भी रहेगा. और सर अगर हम उसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो फिर एंड में जाके हमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा. तो 6 सब्जेक्ट को हमें एज अ नहीं कि हमारे पास 2 ग्रुप है, 6 सब्जेक्ट है बस, उसे हमें 6 सब्जेक्ट के जैसे देखना चाहिए. Awesome, very well said. एक ना जीएसटी और इनकम टैक्स में आई थिंक वी ऑल एग्री मार्क्स 50-50% है, पर आई थिंक डिफिकल्टी लेवल अलग है. व्हाट यू से? यस सर, जीएसटी सर इजी है थोड़ी कंपैरेटिवली इनकम टैक्स के, क्योंकि जीएसटी हमने कहीं ना कहीं सुनी होती है, पढ़ी होती है, बट इनकम टैक्स हमारे लिए एकदम न्यू होता है. और उसमें जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो थोड़े से हमारे लेवल को पुश करते हैं, तो हमें उसको थोड़ा समझने में टाइम लगता है. और जीएसटी कंपैरेटिवली इजी होती है और हम उसे जल्दी समझ सकते हैं. तो हमें इनकम टैक्स को ज्यादा टाइम देना चाहिए और जीएसटी को कंपैरेटिवली थोड़ा कम टाइम दे, बट दोनों का मार्क्स वेटेज सेम है, सो हम लोग प्रैक्टिस इसमें उतनी करनी क्लैरिटी है, ला प्रैक्टिस सकें. ज्यादा ही करनी है मेरे ख्याल से जीएसटी की. जीएसटी में भी इफ यू एग्री, मैं शुरू में पहले 10 दिन में पूरा जीएसटी एक बार करा देता हूँ विद ऑल, मतलब एंड रिजल्ट कर लेते हैं भी, लेजर सिस्टम और पेमेंट कैसे करना है, फिर हम बैकवर्ड चलते हैं. तो डू यू थिंक दोस फर्स्ट 10 डेज ऑफ लिंकिंग हेल्प? क्योंकि यू नो एज अ टीचर आई समटाइम्स डिबेट कि यार चैप्टर वाइज शुरू कर देना यार, क्यों ये बच्चों को तंग कर रहा है पूरा ओवरव्यू देने से, क्योंकि उस समय बच्चों को पूरी तरह समझ नहीं आता कि सर कर क्या रहे हैं. सर ने एक बार पूरा ओवरव्यू दे दिया फिर उसी को डिटेल में करेंगे. डू यू थिंक दैट अप्रोच वर्क फॉर यू या कंफ्यूज हो गई थी शुरू में? यस सर, क्योंकि सर हमें पता ही नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है. अगर हम लोग पूरी अप्रोच के साथ पढ़ेंगे तो हम लोगों को पढ़ना आसान हो जाएगा. और फिर सर वो स्टेप बाय स्टेप उन सारे हम लोग उन पोर्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं अगर हमें एक ओवरव्यू पता होगा. सर वैसे आपकी टेक्निक बहुत यूनिक है, हम लोग सबको लगता है कि पहले सर क्या कर रहे हैं, बट सर वो एंड में जाके वर्क करते तो पता चलता है कि हाँ सर जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं. चलो अब तक तो आई थिंक नाउ इट्स बीन ऑनलाइन भी, मुझे अनअकैडमी के साथ भी 3 साल हो गए, अब तो काफी फैल गई है टेक्निक. बट हाँ, शुरू शुरू में पहले व्हेन आई वाज ओनली इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में तो ऑब्वियसली सबको पता है तुली सर इतने साल से हैं, पर ऑनलाइन आई थिंक नाउ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ यू एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज बिलीव कि पहले माइंड मैप बनेगा. वो कहते हैं ना गूगल मैप्स को दूर से देखिए, पहले एक आउटलाइन बन जाएगी फिर उसको डिटेल कीजिए. अगर हम पहले डिटेल में जाएंगे तो वो कभी पूरी कहानी पता नहीं चलती है. तो आई थिंक चलिए, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर टेक्निक. एनी मैसेज यू वांट टू गिव दी स्टूडेंट्स आउट देयर? क्योंकि कई लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, कई लोग कभी गुमराह हो जाते हैं, उनको लगता है यार इतनी मेहनत कैसे करें. सम इज इट वर्थ दैट एफर्ट जो वेर यू आर टुडे, वॉज ऑल दैट स्ट्रगल वर्थ सर इट? हार्डवर्क का कोई सेकंड चांस नहीं होता सर. हमें हार्डवर्क करते रहना, जब तक हमें वो सक्सेस ना मिल जाए तब तक हमें हार्डवर्क करना चाहिए. और हार्डवर्क का कोई हम कह नहीं सकते कोई सर शॉर्ट पाथ नहीं होता, हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा. अगर हार्डवर्क नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं मिल सकती सर. तो अगर सर जो फेल हुए हैं उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि हम लोग फेल हुए हैं, लाइक हमें वापस उठ के वापस वो हार्डवर्क करना है और अपने पेरेंट्स को उतना ही प्राउड फील कराना, क्योंकि सब कुछ वही कर रहे हैं सर. उनको वो प्राउड फीलिंग होगी, उनकी आंखों में वो प्राउडनेस देखने के लिए सर कुछ भी कर सकते हैं.
तो वो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा सर। आई लव दिस। ये हमारे देश की जो सभ्यता है ना, जो फैमिली सिस्टम है, जो सपोर्ट माँ बाप बच्चों को देते हैं और जो बच्चे माँ बाप को खुशी देने की इच्छा रखते हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू शली, एंड कंग्रेचुलेशंस टू योर पेरेंट्स एज वेल, एंड डू वेल इन सीए फाइनल एंड स्टे इन टच बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, इट्स थैंक बीन यू सर, वंडरफुल थैंक स्पीकिंग टू यू। यू सर।